गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी रात को मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है और अभी खाना खाते हैं। तो खाने में आज बना है बिल्कुल ही डिफरेंट सी सब्जी, बहुत रेयर बनती है हमारे घर में। ये है सब्जी अरबी की और साथ में वेज रायता और सैलड था मेरा। सैलड खा गया कोई उठा के मेरा। जस्ट खाना खाएंगे उसके बाद वॉक करके रेस्ट करेंगे आज ऊपर छत पर, क्योंकि आजकल मैं नीचे नहीं सोता, मैं अवॉइड करता हूँ एसी में सोना, क्योंकि आजकल जो मौसम है अच्छे हैं, क्योंकि इन दिनों गर्मियों में आप छत की हवा ले सकते हो, छत की मतलब कि ऊपर खुले वाली हवा ले सकते हो, लेकिन जब मॉइस्चर आ जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तब एसी में सोने का फ़ायदा है। मैं अभी नहीं सोना चाहता ताकि मैं अपनी बॉडी को इतना एडिक्टेड नहीं बनाना चाहता एसी का, इसलिए मैं आजकल ऊपर सोता हूँ। मम्मी तो नीचे सोते हैं एसी में। 3 दिन से मैं लगातार सो रहा हूँ, लेकिन रात को डिस्टर्ब होता हूँ इसलिए क्योंकि अंधेरी तूफान चलता है, उठना पड़ता है। एक दिन उठा था लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग हुआ था, 5 बजे मेरे को उठना पड़ा, लेकिन ठीक भी है, फ़ायदा भी, क्योंकि जल्दी मैं ऊपर सोता हूँ ना तो एक फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो आँख है ना वो जल्दी उठ जाती है, साथ ही साथ गुरुद्वारा साहिब से मीठी मीठी गुरबानी चलती तो आपकी आँख उठ जाती है, तो हमारा जो डे है प्रोडक्टिव हो जाता है। तो गाइस खाना खुना खाने के बाद मैं छत के ऊपर आ गया हूँ और सच बताऊँ तो जो वेज रायता था वो तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन जो अपना क्या कहते हैं अरबी की सब्जी थी वो इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी सी कच्ची थी तो मैंने छोड़ दी, आधी खाई आधी रख दी, ताकि सुबह अच्छे से बना के उसकी परौंठी वगैरह बना देंगे मम्मी। और ये रहा मेरा बिस्तरा और आजकल मैं छत के ऊपर सोता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया। ये मैंने अपने लिए फ़ैन लगा दी क्योंकि रात को मच्छर तंग करते हैं। तो ये रहा मेरा सिंपल सा बिस्तरा, तो अभी सो जाते हैं, थोड़ी सी सैर करेंगे और उसके बाद मिलते हैं आपको सुबह। गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि अंकुश तो सो गया था लेकिन छत पे मिलेगा, लेकिन अचानक से मेरे को एक काम आ गया, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो प्रीति भी आएगी वहाँ पे रास्ते में। तो जैसे मैं आज सुबह के वैसे कितने बजे हैं बताते हैं आपको। ये रहा मैंने टाइम देखा भी नहीं, सोया हुआ था, नीचे आ गया था मैं 7:30, तो कुछ काम था तो इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। तो अभी इसके बाद फिर मैं वापस आज वहाँ पे जाने की सोच रहा हूँ, उसी पहाड़ी पे। और सुबह का मौसम ठंडा है, तो पुल के ऊपर भी चलकर अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी मूवमेंट कर रहा है, वो दिनों बाद आना हुआ इधर। और मैंने छत पे रात बिस्तर किया था, मैंने उठाया नहीं अभी तक, ऊपर जाके आया तो अपना जो बिस्तर वगैरह था इकट्ठा करके आया। सुबह सुबह अभी वाली परौंठी मिलेगी, बट ये तो बना हुआ है भिंडी और चपाती और साथ में दही। बहुत दिनों बाद आज गर्मी में ठंड का एहसास कुल्फी के साथ, एक बाइट आपके लिए। मैं आ गया। तो अभी जस्ट मैं घर को जा रहा हूँ और मेरे को ग्रोसरी का सामान लेना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बोल रहा था कि ग्रोसरी का सामान लेना है लेकिन अभी तक नहीं ले गया। इस मंथ की 6th डेट होगी आज, तो आज फाइनली ले ही जाएंगे। मेरे को पता तो नहीं है, नहीं तो होता क्या कि हम लोग एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें लिखते हैं क्या क्या चीज़ हमें घर के लिए चाहिए, लेकिन अभी मैं लिस्ट तो नहीं बना पाया, लेकिन जो जो दिखाई देगा कि हाँ ये चीज़ें घर में ज़रूरी है तो मैं ले जाऊँगा। भाई दांत ठंडे कर दिए। अभी हमारी टोकरी खाली है लेकिन भर लेंगे, ये मिक्स दाल अच्छी लगती है तो इसके 2 पैकेट ले लेता हूँ, और मूंग दाल ये भी ज़रूरत पड़ जाती है। और वही कुछ याद तो आया नहीं। हाँ यहाँ धूप बत्ती देख के जा रहा है कि मम्मी जी पूजा करते हैं तो क्यों ना एक अगरबत्ती ले ले, रोज़ वाली फ्रेगरेंस वाली ले ली मैंने एक। बहुत दिनों से याद आ रहा था कि मेरे को हिट लेना, क्योंकि साढ़े एसी के कुंडियाँ फस गई हुई, तो मच्छर वाली तो मक्खियाँ वाले दोनों ही ले लेंगे, कम आऊंगे अज फिर सारिया पुंडियाँ भजा देंगे। मम्मी का पसंदीदा सोप रास सोप, इसमें भी राज है। आगे आगे मच्छर बहुत तंग करेंगे तो मच्छरों के लिए भी इंतजाम कर लिया हमने भाई। और तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तेल वगैरह घर पे पड़ा होगा, अगर नहीं होगा तो फिर से ले जाएंगे। इस शॉप से तो डन, अब चलिए आगे। और वो टाटा टी कहाँ है भाई? टाटा टी किधर है? चाय कैसे भूल सकते हैं? ये है। हाँ ये बड़ी
क्योंकि हम चाय जो पीते हैं टाटा टी की पीते हैं। ये कैसे भूल सकते हैं नहीं पीना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। पड़े हुए घर पे चने और थोड़े से राजमा भी ले लिए हमने घर के लिए, क्योंकि राजमा खाएंगे चावल के साथ। हाँ यार, नमकीन तो घर में ख़त्म होने वाला है, नमकीन के पैकेट ले लेते हैं हम थोड़े से। ये डाइट मिक्सचर नहीं, ये लाइट मिक्सचर अच्छा लगता है। नमकीन की जो पैकिंग ले रहा हूँ छोटे वाली ले रहा हूँ, ताकि ना जो बड़े वाली पैकिंग होती है जब उसको ओपन करते हैं ना वो सारा ना सिलन वाला हो जाता है, इसलिए छोटी पैकिंग ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो ये छोटी छोटी पैकिंग दे रहा हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और नया नया टेस्ट करते रहें, क्योंकि अलग अलग टेस्ट वाले ले रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एक कमेंट आया था कि इसको नट क्रैकर को नट क्रैकर नहीं बोलता है, वही लिखा हुआ है इस पर हल्दीराम का नट क्रैकर, क्योंकि ये क्रैकर का काम करता है और अच्छा सा चटकारा देता है। ग्लूकोन डी पड़ा हुआ घर पे, मुझे ग्लूकोन तो कोई खाता ही नहीं। मूंगदाल दिखाई देती है, एक सब्जी बनाने वाली एक चाय के साथ खाने वाली। टिंग नमकीन तो बहुत हो गए, और जो हमारे बिस्किट है मैं यूज़ करता हूँ ये वाले डाइजेस्टिव वाले, हम सभी यही खाते हैं क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है ये। भाई ये बड़ी पैकिंग है क्या नीचे उतर आया है भैया? नहीं भैया, पैकिंग है ये बड़ी क्योंकि उसे वन टाइम ओपन करके हम अपने उसमें डाल लेते हैं कटोरे में, और उसके बाद ना वो जल्दी खत्म हो जाते हैं और खराब नहीं होते। अगर बड़ी पैकिंग लूंगा वो जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं उसके। भाई दही का सीजन है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरा फेवरेट है नट क्रैकर से भी ज़्यादा। और 10 पैकेट मैंने मैगी के ले लिए क्योंकि इंस्टेंट भूख लगी जाती है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। 1, 2, 3, 4, 5 तो लेता मैं छोटे पैकेट में, बड़ी पैकिंग भी आती है, बड़ी पैकिंग का वो एक बार ओपन हो जाती है ना फिर यूज़ नहीं हो पाती जल्दी, तो अगर छोटी वाली पैकिंग वो जल्दी यूज़ हो जाती है। मुझे बहुत काम की चीज़ है, और आजकल कोरोना चला हुआ है और बार बार अपने हाथों को वॉश करते रहिए और सैनिटाइज करते रहिए। खाओ गगन रहो मगन। तो ये मस्टर्ड ऑयल वैसे तो होगा घर पे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मम्मी और प्रीति आए थे ग्रोसरी लेने के लिए तो 5 लीटर वाली बड़ी सी कैंडी ले गए थे, लेकिन पता नहीं होगी या नहीं होगी, और मैंने भी फ़ोन करके पूछा नहीं तो ले गया। अभी आ जाओ। एक्चुअली मैं डिटेल तो नहीं बना के लेके आया, लेकिन जो जो मेरे को नज़र आ रहा है जो की ज़रूरत है घर पर उन चीज़ों को मैं उठा रहा हूँ। जगह ऐसी है जहाँ पर मम्मी और प्रीति आते थे और बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते थे। सबसे बढ़िया चीज़ें जो बच्चों के लिए काम आएगी, आम गोली पल्स बहुत अच्छी लगती है। बहुत टाइम बाद मेरे को ये वाले बिस्किट दिखाई दिए, लिटिल हार्ट जो हार्ट में होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, 10 रुपये की पैकिंग है और आज भी एक है सेम रेट है। सारी चीज़ें ले ली, लेकिन काली मिर्च मेथे और ये बड़ी इलायची सब ओके। गरम मसाला ये नहीं यूज़ करते हम, सौंफ की ले ली मैंने। तो ये मेरी टोकरी अच्छे से फिल हो चुकी है, और आइसक्रीम भी लेके जाने को मन कर रहा है, लेकिन क्या घर पहुँचते पहुँचते ये मेल्ट हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। और जो स्माइली ले लेते हैं एक एड़े वाले 3 पैक इन साइड है, अलग अलग है ना। क्या समोसा दे दो, फ्रेंच फ्राइज है ना, ये भी दे दो, ये अच्छे बनते हैं स्माइली। और सामान तो बहुत ज़्यादा है खाने वाला, लेकिन गर्मी इतनी है देखने को मन नहीं करता, सूप वगैरह नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि गर्मी के डेज है, लेकिन ये चीज़ अच्छी लग रही है। और ऑलरेडी घर में रूह अफ्जा पड़ा हुआ है, तो रूह अफ्जा बना दो है ना मैंने, तो पैक कर दिया। ये दूध दूध की नहीं, मैं दूध बोल रहा हूँ, जूस की बोतल भी कर देना। डेट नहीं देखी थी, अभी देख ली मैंने, और 28/3/2021 की है और 6 मंथ तक वैलिड होता है, आई थिंक सितंबर तक चल जाएगा। आपको ही ढूंढ रहा था, तो मेरे को ये चाहिए थे जो 2 मिनट में बन जाए, ओवन वाले स्वीट कॉर्न। ये ओवन वाला है, ये तो स्वीट कॉर्न है, सेम ही है वो, पॉपकॉर्न नहीं होते स्वीट कॉर्न। एक ही काम करूँगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, हाँ वो चाहिए ये अलग हो गए ना। अच्छा, ये मतलब फूलेंगे नहीं उसकी तरह, नहीं माइक्रोवेव वाले चाहिए ना। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे को चाहिए ओवन वाले पॉपकॉर्न जो फूलते ओवन में, बट ये स्वीट कॉर्न है, आई थिंक ये फूलेंगे नहीं क्योंकि उसे स्पेशली मेंशन किया होता है। ओवन वाले पॉपकॉर्न चाहिए, ये वाले नहीं, ये स्वीट कॉर्न है, ये पॉपकॉर्न की तरह नहीं बनेंगे, ये बस हल्के से
ओवन में वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे भाई। अलग अलग मैक्रोनी दी हुई है यहाँ पे, ये पास्ता भी दिया हुआ है, बट मैंने ये वाला लिया क्योंकि जो मज़ा इसको खुद बनाने में है ना, वो दिया तो होता है इंस्टेंट बनाने वाला, लेकिन वो इतना मज़ा नहीं आता उसमें खाने का। ओवन वाले, हाँ ओवन वाले ख़त्म है, या फिर कढ़ाई वाले या फिर कुकर वाले। नहीं कढ़ाई कुकर वाले नहीं, ओवन वाले आए नहीं लिखाए। कुकर के बीच तो कुकर तो नहीं ना होंगे, हंस रहा हूँ। हाँ ये पड़े हुए, ये तो दूसरे है ना, दूसरे हैं ना कुकर वाले, कुकर वाले नहीं ओवन वाले चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? चुक दे क्या है ये? हाँ ये चाहिए गर्म मसाला चाय के लिए रेडीमेड। दो चीज़ें चाहिए तो मेरे माइंड में थी, एक तो ओवन वाले पॉपकॉर्न चाहिए थी, एक और है जो स्पेशल आजकल इन दिनों में स्पेशली काम आती है, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। यहाँ पे मिली नहीं, वो कह रही है अभी शाम तक आ जाएगी, लेकिन मैं लेट हो जाऊँगा, मैं जाते वक्त लेके जाना चाहता हूँ। ये तो भूल ही गया था मैं, सर तोड़ दे। जो बजाज का हैंड ब्लेंडर है, हाँ जी दिखा ना। कितने का? पहनने दो भाई इसे तो, ठीक है। बट ये तो मैं ले गया था मम्मी के लिए, और फिर कब वो मेरे को अच्छा मिला 700 का, ये 1850 रुपीज़ का था, वो महंगा था, सेम ही था, लेकिन ये थोड़ा मतलब कि वो क्या कहते हैं, साइज़ में छोटा हो जाता था, ओपन हो जाता था, लेकिन वही वाला ठीक है तो 700 का मिला यार। क्वालिटी में कुछ होगा इसलिए थोड़ा महंगा हुआ। तो इधर हो रही है हमारी सामान की पैकिंग। ओरियो बिस्किट चाहिए तो ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे, तो भैया से पूछा मैंने कि भैया ओरियो बिस्किट है, तो कह रहे हैं दे नहीं रहे। ये ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो ये रहे भाई ओरियो बिस्किट हमारे, आई थिंक सफिशेंट है ये। तो हो चुकी है हमारी सारी शॉपिंग, और ये बना दिया अंकल लंबा चौड़ा बिल, अभी पेमेंट कर देते हैं और सामान तो गाड़ी में रखवा देते हैं, ठीक है भैया गाड़ी रखवा देंगे। हाँ हाँ चलो तो ये बिल अभी यहाँ पे घर जाके इसे टैली करूँगा अच्छे से। सारा सामान डन, एक दो तीन और चार। तो भाई अभी निकलते हैं घर को, दो चीज़ें रह गई, फिर किसी दिन ले जाऊँगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी सीधा घर जाना चाहता हूँ। अरे बहन जी कहाँ घुस रही हो आप, थोड़ा सा रास्ता दीजिए तनिक। आ चुका हूँ और सारा सामान मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया, और ये कुछ प्रोडक्ट वाव लाइफ साइंस के आए हैं स्पॉन्सर्स के लिए, तो इनको पहले मैं अपने ऊपर यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगा। और अभी हैंड वॉश के मैंने आते, और हाँ बाकी तो बातों की बातें, लेकिन ये जो मखिन थे इनको रेफ्रिजरेटर में लाना है, फ्रोजन फूड है ये, ख़राब हो जाएगा, इसको निकाल के मैं अभी रेफ्रिजरेटर में लगा देता हूँ। आप चलो भाई अपने घर, आपको बनाएंगे एंड खाएंगे, मिलते हैं आपको बाद में।